टाइम हो रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं और मैं इस रूम को लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत जल्दबाजी रहती है, तो झाड़ू पोछा तो मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था पूरे घर का। लेकिन ना मैं आज मशीन लगाने जा रही हूँ और मशीन में दिन में ही लगा पाती हूँ, बहुत ही कम होता है जो मैं मॉर्निंग में लगा पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और वैसे भी अब आप लोग जानते हैं कि मेरे पास में हाउस हेल्पर तो है नहीं, सारे काम मुझे ही करने होते हैं, तो मॉर्निंग में बन ही नहीं पाता है, तो बस दिन के टाइम पे ही मैं मशीन वगैरह लगा पाती हूँ। तो मुझे ना बेडशीट वगैरह सब हटानी थी क्योंकि वॉश करना था, तो बस मैं बेडशीट वगैरह दूसरी बिछा रही थी और वो वाली मैं उतार के धुलने के लिए ले गई थी। साथ ही साथ आज मुझे अपने रूम में, बेडरूम में थोड़ा सा चेंजमेंट करना है, तो ये यहाँ पर एक्स्ट्रा दो सोफे की कुर्सी रखी हुई थी ना, तो इनको मैं बेडरूम में ले जा रही हूँ। थोड़े से चेंजमेंट किए हैं रूम में, जो लिविंग रूम में एक्स्ट्रा सोफे की चेयर रखी हुई थी ना, उनको मैंने रूम में इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि वही होता है ना कि रूम में अगर टीवी वगैरह देखना है तो सिर्फ आप बेड में बैठिए, और उसके सिवा टेबल चेयर कुछ भी नहीं था। और मेरे बेड के जो साइड स्टूल होते हैं ना वो बनने को थे, लेकिन वो फिर किसी कारण बस टलते ही चले गए। वो होता है ना एक चीज की, जो चीज आप एक साथ ले लीजिए तो वो काम हो जाता है, वरना जो चीज बाद की होती है ना कि बाद में आ जाएगा, तो वो बाद में ही होके रह जाता है, उसका बाद कभी आता नहीं है। ऐसे करके मेरे बेड के स्टूल नहीं आ पाए, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। अब अगर मैं कहती भी हूं ना तो वो टलता चला जाता है। तो रूम में बैठने की कोई और व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर ये दो सोफे की चेयर लगा दी है इस तरीके से, और अब रूम भी ना थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और अब सही लग रहा है। और वहां पर ये फोटो लगी हुई है पहले से ही, ये आकर्षित ने वॉल स्टिकर लगा दिए थे टॉयज वाले अपने। तो अब रूम मेरा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अब ना मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है, पहले ना ये बड़ा सा हॉल जैसा एकदम खाली खाली सा लगता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। मेरा मन था यहाँ पर टेबल चेयर रखने का, लेकिन आकर्षित बोला नहीं, सोफे की कुर्सी रखनी है, टेबल चेयर नहीं रखनी है। और लिविंग रूम का अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इसको ना मुझे कायदे से बिल्कुल करना है। मंदिर के लिए मैंने ये जो इस तरह से किया हुआ था ना, मंदिर की लाइट्स अभी ऑफ हैं, बगल में ये मैंने चौकी रख दी थी, चौकी के ऊपर रामायण वगैरह रखी है, ये सारा मैं हटाऊंगी, और इधर पे मैं अलमीरा है मेरे पास एक, वो लगा के रखूंगी। तो एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा सा काम करती जाऊंगी, फिर वही होता है ना कि एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, और वैसे भी अभी ऑपरेशन को 3 महीने भी नहीं हुए हैं, तो बस मैं उतना ही काम कर रही हूँ जितने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ा मैं आपको बैक कैमरे से कमरे का थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ, और देखने में काफ़ी सही लग रहा है पहले से। और अभी मैं किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो यहाँ के लिए मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम भी लेके आऊँगी। और अभी शाम का टाइम हो गया है, आकर्षित की कोचिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं उसको रेडी कर देती हूँ। हालांकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है कोचिंग के लिए, लेकिन वो ना पहले से ही रेडी होके बैठ जाता है। तो आकर्षित को मैं कपड़े दे दूँ पहनने के लिए, और उसके बाद इनके हेयर कॉम कर दूँ मैं, क्योंकि फिर ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा, पहले मुझे रेडी कर दीजिए, पहले मुझे रेडी कर दीजिए। रेडी तो ये खुद से हो जाता है, लेकिन ना हेयर कॉम वगैरह मुझे ही करना पड़ता है, और टी शर्ट वगैरह ये खुद से भी पहन लेता है, बट ये ना वही रहता है ना बच्चों का कि माँ कर दे माँ कर दे, तो बस इसीलिए मैं इसको रेडी कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ना आकर्षित को जब भी मैं रेडी करती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं। हेलो करो, से हेलो। और आकर्षित की कोचिंग का टाइम होने वाला है ना, अभी 1 घंटा है। इनको इनको कर दिया है रेडी, तो पापा इनके आएंगे छोड़ने के लिए। ये ना पैदल नहीं चलता है जरा सा भी, ये थोड़ा सा भी पैदल चल ले, पैदल नहीं चलना है इसको,
तो ये हो चुकी है रेडी और अपना कोर्स लर्न कर रहे हैं, जो ट्यूशन का इनका बचा हुआ वर्क है कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी भी फिर मिस्टेक। और ये आकर्षित को कोचिंग छोड़ के आ गए थे, तो इवनिंग टी का टाइम हो गया है, तो मैं टी बना ले रही हूँ। टी बन गई है, इधर पे बॉयल हो चुकी है, बस इसको स्टेन करना है। तो मैं ना, मुझे मलाई वाली चाय बहुत पसंद है, मलाई मार के, तो मैं अपने लिए मलाई निकाल रही थी। और डेली नहीं लेती हूँ, मतलब होता है जब कभी मन हो जाता है तो ले लेती हूँ, वरना बहुत ही कम लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय स्टेन कर लेती हूँ और इवनिंग टी अपनी इंजॉय कर लेती हूँ। और शाम की चाय पीने के बाद में, सांझ बाती करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आकर्षित का मन है कि आज इडली बनाई जाए, फ्राई इडली। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और फ्राई इडली के लिए मैं बैटर लगा के रख देती हूँ। तो मैंने सूजी ले ली है, सूजी में मैंने दही ऐड कर दिया है और दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी सूजी में। उसके बाद इसमें नमक ऐड कर दूँगी और नमक ऐड करने के बाद में गर्म पानी से इसका मैं बैटर लगा रही हूँ, क्योंकि विंटर है तो विंटर में ना सूजी को फूलने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं वैसे क्या करती हूँ, गर्म पानी से ही हमेशा इसका बैटर लगा देती हूँ ना, तो बहुत जल्दी सूजी ना फूल जाती है। गर्मियों में तो नहीं ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी की, बट सर्दियों में गर्म पानी से ही इसका मैं बैटर लगा देती हूँ। और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट मैंने इसको रखा होगा और बिल्कुल परफेक्ट सूजी बैटर रेडी हो गया था। तो अभी देखिए मैंने इसका बैटर लगा दिया है, अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और करीब 10 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो आप देख सकते हैं सूजी का बिल्कुल परफेक्ट बैटर लगा हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से सूजी फूल गई है, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पर इडली बना लूँगी। और मॉर्निंग में मैंने बनाया हुआ था सरसों का साग तो और मिस्सी रोटी, तो सरसों का साग भी रखा हुआ है और रोटी का डो भी रखा हुआ है थोड़ा सा, तो इनके लिए तो हो जाएगा। और वैसे ये भी इडली खाते हैं, लेकिन होता है ना कि खाना साथ में चाहिए चाहिए, तो बस इनके लिए तो हो जाएगा। मैं और आकर्षित बस इडली से ही लोगों का पेट भर जाए। तो यहाँ पर मैंने इडली के सांचे ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है। और हाँ, इडली का बैटर जब अच्छे से रेस्ट कर लिया था, फूल गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा वाला सोडा ऐड किया हुआ था। मैंने इनो का पाउच नहीं ऐड किया हुआ था, क्योंकि इनो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं इसमें हमेशा मीठा सोडा ऐड करती हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था। और आप देखिएगा कितनी अच्छी सूजी फूली फूली इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए सांचे मैंने फिल कर लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर लिया था और बैटर फिल कर दिया है। यहाँ भगोने में मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो देखिए कितने अच्छे से भाप बन रही है। और अब ये सांचे में रख दूँगी इडली स्टीम होने के लिए, और ये ऊपर से इसका ये जो पेंच है ना, इससे इसको टाइट कर दूँगी लॉक करके, और इसको रख दे रही हूँ मैं स्टीम होने के लिए। और 5 मिनट बाद चेक किया तो देखिए कितने अच्छे से इडली हमारी स्टीम हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। और नाइफ डालकर इसको इस तरह से चेक कर लेंगे तो ये देखिए नाइफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब हम ये सांचे निकाल लेंगे बाहर और गैस के फ्लेम को अभी कर देंगे बंद, क्योंकि अभी इडली थोड़ी ठंडी करेंगे, फिर इनको सांचों से बाहर निकालेंगे तो तब तक पानी ऐसे ही खौलता रहेगा। तो इसीलिए अभी मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है ऑफ। और ये देखिए इडली अभी गर्म है, लेकिन मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा सांचा गर्म है तो मैं पकड़ नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर मैं कपड़े की हेल्प से इसको पकड़ रही हूँ। और ये देखिए एक इडली मैंने गर्म सांचे में ही निकाल दी है और बिल्कुल कायदे से बन गई है। लेकिन गर्म गर्म इडली आप निकालोगे ना तो फिर ये चिपकने सी लगती है थोड़ी सी। और ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है ना, तो आप देखिए कितने अच्छे से इडली निकल आई है, एकदम बिल्कुल सांचा एकदम नीट एंड क्लीन है। इडली हमारी बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। तो मैं बाकी की इडली भी इस तरह से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ना मुझको इडली निकाल के मैं ना सांचों से इस तरह से प्लेट में राउंड राउंड करके लगाती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। और बाकी का जो बैटर रखा है उसको भी मैं सेम मेथड से ही फिर से बनने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर इडली बन चुकी है, तो यहाँ
अब इनको मैं करूँगी फ्राई। और इडली सांभर नहीं बनाया है आज मैंने, आज मैं इडली फ्राई ही बना रही हूँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है इडली में, और नाइफ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कट करने में भी। तो मैं सारी इडली पहले ही इस तरह से ना चार चार पीस में इनको कट कर लेती हूँ, फिर करूँगी इनको मैं फ्राई। तो सारी इडली के पीसेस मैं इस तरह से यहाँ कट कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से इडली में जाली पड़ी हुई है, एकदम से फ्लफी और स्पंजी एकदम से रेडी हुई है इडली हमारी। और बस अब आती है बारी इडली को फ्राई करने की। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है राई, और ये पोहे वाली राई है। इसमें मैंने साथ ही साथ में सूखे नीम के पत्ते रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्च ऐड कर दी है, और अब इसमें ऐड कर देंगे जो इडली हमने कट करके रखी हुई थी ना। और इडली ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, और बहुत अच्छे से इडली बन जाती है। और गरम पानी की हेल्प से मैंने इसका बैटर लगाया था ना, तो बहुत जल्दी ये इसका बैटर जो है ना वो रेडी हो गया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक, और बिल्कुल हल्का सा नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक ऑलरेडी इडली के बैटर में हमने ऐड किया हुआ था। बस क्या है ना कि ऑयल ऐड किया हुआ है इसमें, मीठी नीम के पत्ते हैं तो वो ना थोड़े से फीके फीके से लगेंगे, तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा करीब 2 चुटकी नमक ऐड किया था। और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया ऐड कर दिया है। इडली हमारी फाइनली बनकर हो गई है रेडी, और बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से। आप चाहें तो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी, गाजर एंड टोमेटो, प्याज, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो आज की इडली रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।